थोड़ा सा यहाँ भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जांच का संख्या बढ़ाया जाए। फीवर 2 दिन से फीवर है और मेडिसिन ले रहा हूँ, फीवर छूट नहीं रहा है, तो डेंगू का जांच कराने आया हूँ। लेटली एकदम डाउन 40,000 से नीचे हो रहा है, तो हम लोग सलाह दे रहे हैं कि आप तैयार रहिए कि हो सकता है आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना पड़े। बचाव तो लार्वा को के लिए फॉगिंग वगैरह सरकार की तरफ से हो ही रहा है। काफ़ी देर से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, जो टेस्ट लैब वाले जो हैं ये एम्प्लॉय हैं ना, यहाँ पे बढ़ा देना चाहिए। लेकिन दिन में मच्छर जो है काटने से बचाना बड़ा मुश्किल है, आपको भी काम करना, हमको भी काम करना, दिन में तो सबको मूवमेंट करना ही है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में जिस तरह से डेंगू मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और इसी क्रम में देखिए अब बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या जो है वो लगभग 3,000 से पार हो चुकी है। और ऐसे में स्वास्थ्य महकमा पूरा अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से डेंगू पांव पसारता जा रहा है, वैसे में अस्पतालों में भी तमाम सुविधाएँ जो हैं वो दी जा रही है। देखिए, इस वक्त हम राजधानी पटना के गार्डनर हॉस्पिटल में और अंदर चल के हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो टेस्टिंग की सुविधा है वो की जा रही है। और ज़्यादातर जो मरीज हैं वो बुखार, सर्दी, जुखाम से, खांसी से पीड़ित हैं, और उसको लेकर देखिए जो मरीजों की संख्या है वो किस तरह से तांता लगा हुआ है। लाइन में जो मरीज है वो खड़े हैं और काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी है, क्योंकि जिस तरह से डेंगू अपना पाँव पसारते जा रहा है उसको लेकर लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए। और उसको लेकर देखिए जिस तरह से यहाँ पर लैब है, और इसी लैब में जो डेंगू के मरीज हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और टेस्टिंग करवा रहे हैं रिपोर्ट की, और लाइनों में मरीज खड़े हैं। और ये गार्डनर हॉस्पिटल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि हर दिन लगभग 150-200 मरीज जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और लगातार डेंगू के मरीजों में जो इजाफा है वो देखा जा सकता है। बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे कैसे लक्षण उनको दिख रहा है और कब से डेंगू का यहाँ पे आए हैं टेस्ट करवाने। जी क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको? वो 3-4 दिन से फीवर है और हेडेक भी है और खाने का इच्छा नहीं कर रहा है। अच्छा, दवा खा रहे हैं तो कुछ राहत नहीं मिल रही है? नहीं, वो तुरंत डाउन हो जा रहा है, फिर बढ़ जा रहा है। टेस्ट करवा लिए? नहीं, अभी लाइन में लगे हुए हैं। टेस्ट कैसी सुविधा? सुविधा तो अभी तक ठीक ही लग रहा है मुझे। आपको क्या हुआ कि आप? सेम है सर, जाँच फीवर वगैरह सब। जी सर, कब से था? सबका वही चल रहा है लक्षण। क्या नाम है? बच्चा को दिखाना है। अच्छा, क्या डेंगू के लिए? बुखार लगा हो क्या है सब डॉक्टर ने बताया? बुखार लगा हो तो बहुत दिन से इसका डेंगू फैला था। नहीं, आजकल में हुआ है। जांच कराएंगे तभी तो पता चलेगा ना सर कि डेंगू है कि क्या। कार लंबे समय से डेंगू का थोड़ा सा यहाँ भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जाँच का संख्या बढ़ाया जाए। एक ही मरीज को देखने वाले हैं, क्या है जाँच करने वाले एक ही हैं, कृपया यहाँ पे आदमी को बढ़ाया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा लाइन लग रहा है जाँच में। कितने देर से खड़े? लगभग हो गया एक घंटा से ऊपर हो गया। हाँ, नहीं। क्या नाम है सर? अभिषेक। कहाँ से आए? रामकृष्ण नगर। क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि आप आए? फीवर 2 दिन से फीवर है और मेडिसिन ले रहा हूँ, फीवर छूट नहीं रहा है, तो डेंगू का जांच कराने आया हूँ। कैसी सुविधा है? काफ़ी देर से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, जो टेस्ट लैब वाले जो हैं ये एम्प्लॉय हैं ना, यहाँ पे बढ़ा देना चाहिए। बढ़ाया जाए लैब वाले में, थोड़ा आदमी बढ़ाया जाए। क्या नाम है सर आपका? मुकेश कुमार, न्यू डोंगला से। क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या है? हाँ, हमको यही है कि थोड़ा एक दिन फीवर लगा, उसके बाद एक हफ्ता से परेशान है कि कमजोरी आया हुआ। कमजोरी लग रहा है? ये जांच करवाने आए हैं। सुविधा कैसी है? सुविधा तो ठीक है सर, ठीक है, सब चीज़ हो रहा है। हाँ, क्या नाम है सर? दिनेश कुमार। क्या प्रॉब्लम आई, डेंगू का क्या लक्षण आपको नजर आए? कि नहीं, वैसा तो चेक कराने के बाद ही पता चलेगा ना। बुखार वगैरह। तो देखिए किस तरह से जो मरीज हैं वो यहाँ पर टेस्टिंग करवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पर वो जो काउंटर आप देख रहे हैं उसी काउंटर में पहले पर्ची कटती है, उसके बाद ओपीडी में डॉक्टर साहब से आप दिखवाइए, डॉक्टर साहब अगर आपको अनुमति देते हैं तो आप यहाँ पर टेस्ट आके करवा सकते हैं। और देखिए ये लाइन का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो बुखार से ग्रसित लोग हैं, बुखार, सर्दी, सिर दर्द, बदन में दर्द, और उसको लेकर अब यहाँ पर जो व्यवस्था है वो की जा रही है, और यही दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है। ये देखिए, ये एक नंबर ओपीडी है और ये 2 नंबर ओपीडी है, अंदर में डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। हम डॉक्टर साहब से बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे कैसे मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और सबसे ज़्यादा क्या लक्षण मरीजों में जो डेंगू मरीज हैं उनमें देखी जा सकती है, क्योंकि वही रियलिटी चेक करने के लिए हम आपको पटना के गार्डनर हॉस्पिटल में लेके आए हैं। हम अंदर लेके चलेंगे। देखिए डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ओपीडी में इस वक्त है और मरीजों को देख रहे हैं। हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर
कैसे कैसे मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं, डेंगू अपना पैर फैलाता जा रहा है सर बिहार में, और कैसे कैसे मरीज अधिकतर यहाँ पर पहुँच रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए, अगर आप ओपीडी में देख रहे हैं तो क्या क्या लक्षण लोगों में दिख रहे हैं? डेंगू फैलाने रहा फैला चुका है अपना पाँव और महामारी का रूप ले चुका है। हमारे यहाँ जो रोगी आ रहे हैं सो बुखार, सर में दर्द, बदन में दर्द, मिचली, उल्टी और इसके अलावा चक्कर भी देने का, ये सब लक्षण लेके प्राय आ रहे हैं। और वो बोलते हैं कि पैरासीटामोल का टैबलेट खाते हैं, बुखार उतर जाता है फिर चढ़ जाता है। और कितने लोग ये भी बोलते हैं कि 104 बुखार चला गया और बुखार उतरता नहीं है। तो इस तरह की जो परिस्थिति में लोग आ रहे हैं तो हम लोग इस लक्षण को आधार पे उनका प्राथमिक उपचार के लिए जो प्रेस्क्रिप्शन हो तो उसको लिखते हैं और जांच करके कंफर्म करते हैं। तो हमारे यहाँ जांच की सुविधा है, एलिजा मेथड से होता है डेंगू NS1 का टेस्ट, CBC करते हैं, उसमें प्लेटलेट का वैल्यू भी आता है और इस रिपोर्ट के आधार पर आगे का ट्रीटमेंट तय करते हैं हम लोग। और किसी किसी का BP काफ़ी लो रहता है तो हम लोग एडमिट करके पानी भी चढ़ाते हैं उसको। अच्छा, जिनका BP लो रहता है उनको आप एडमिट भी करने के लिए? हाँ हाँ, पानी चढ़ाते हैं उसको, नॉर्मल सरें, रिंगर लैक्टेट, ये सब हम लोग चलाते हैं। क्योंकि डेंगू में चूँकि नई बीमारी नहीं है अब, तो उसमें दो कॉम्प्लिकेशन मेन होता है, ये कष्ट तो होता है बुखार कारण, लेकिन उसे मोर्टिलिटी नहीं है, दर्द होता है उससे मोर्टिलिटी नहीं है। लेकिन जिस जो चीज़ पर जो विशेष रूप से नज़र देना है, जो बुखार उतरने के बाद अधिक होता है समस्या, ब्लड प्रेशर मैंने शौक में जाना और प्लेटलेट लो हो जाना, ये कॉम्प्लिकेशन यूजुअली 3 से 5 दिन बुखार जब रहता है उस दरमियान ये कॉम्प्लिकेशन कम होता है, घटना तो शुरू होता है लेकिन सीवियर रूप लेना 5 दिन के बाद होता है। तो उस परिस्थिति में हम लोग उस पर नज़र रखते हैं और उनको अल्टरनेट डे हम लोग बोलते हैं कि BP जांच कराइए। सीवियर केस हो जाए सर तो मरीजों को क्या करना चाहिए? उस सीवियरिटी का लक्षण के आधार पर हम नहीं जाते, क्योंकि उसमें तो बुखार तेज होगा तो पैरासीटामोल इन्फ्यूज़न भी देते हैं, टैबलेट भी देते हैं, ठीक है ना, उसको एश्योर भी करते हैं। लेकिन अगर वैल्यू में आया कि प्लेटलेट एकदम डाउन 40,000 से नीचे हो रहा है तो हम लोग सलाह दे रहे हैं कि आप तैयार रहिए कि हो सकता है आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना पड़े। और लेकिन हम लोग एज पर गाइडलाइन, चूँकि हम लोग बहुत ही साइंटिफिक तौर तरीका से इलाज करने को पसंद करते हैं, तो हम लोग गाइडलाइन में है कि 20,000 से प्लेटलेट नीचे हो तभी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना है। लेकिन अगर 20,000 से ऊपर भी प्लेटलेट हो, अगर कहीं से ब्लीडिंग का सिम्टम है तब भी हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच में है। क्योंकि मेरा यहाँ का जो OPD पेशेंट फॉलोअप में आते हैं तो हमारा 99% का ऐसा है कि वो सेल्फ रिकवरी हो जाता है वायरल डिजीज होने के कारण, और BP जिसका फॉल करता है तो उसको हम लोग फ्लूड चलाते हैं और उसको मेंटेन करते हैं और उनको बोलते हैं ORS भी देते हैं यहाँ से मिलता है और नारियल पानी पीने के लिए भी बोलते हैं और 3 चीज़ मना करते हैं, कीवी नहीं खाना है, पपीता के पत्ते का जूस नहीं पीना है, ठीक है ना, और बकरी का दूध नहीं पीना, इससे सीवियर गैस्ट्राइटिस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट मेंटेलिटी है सर शुरू से बिहार में कि इसीलिए हम आप नहीं पूछे तब भी हम जो भी आते हैं इस बात को बोलते हैं कि भाई ये चीज़ से समस्या बढ़ रहा है। यहाँ मेरा ये नहीं है कि मेरा यहाँ जो पेशेंट आते हैं ना सब मेल आएगा एकदम प्रेग्नेंट लेडी जैसा पेट बना के, सर हमको गैस हो गया है, खाना खाने का मन ही नहीं करता है, तो ये सब परिस्थिति में ये चीज़ को मना करते हैं। और नारियल पानी ORS पर विशेष रूप से नमकीन चीज़, क्योंकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है तो सॉल्ट की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नोजिया वोमिटिंग होता है तो उसके कारण BP होने डाउन होने की संभावना रहता है, इससे होता है। तो आतंकी होने की ज़रूरत नहीं है बस, और डॉक्टर के संपर्क में रहना है और जो 1-2% में कॉम्प्लिकेशन होता है उसके लिए हम उस जगह भेजे, जैसे प्लेटलेट की समस्या हो तो PMCS में जहाँ प्लेटलेट ब्लड बैंक है उसके नज़दीक में पेशेंट को रखना चाहते हैं हम लोग, चूँकि सरकारी में है तो IGMS में है, एम्स में है, PMCS में, NMCS में ब्लड बैंक है, उस जगह उस केस को रेयर सिचुएशन 1-2% उस वहाँ रेफर कर देते हैं और फिर वो लोग इस तरह से हम लोगों का मैनेजमेंट ठीक ठाक चल रहा है डेंगू का।
और बचाव के लिए आप ही लोग प्रसार प्रसार कर ही रहे हैं कि दिन में मच्छर काटता है तो उसको बचाव तो लार्वा को के लिए फॉगिंग वगैरह सरकार की तरफ से हो ही रहा है, लेकिन दिन में मच्छर जो है वो काटने से बचाना बड़ा मुश्किल है। आपको भी काम करना, हमको भी काम करना, दिन में तो सबको मूवमेंट करना ही है। फिर भी जहाँ पानी है, तालाब है, उस जगह लोगों को नहीं जाकर बैठना चाहिए, क्योंकि वहाँ संख्या अधिक रहती है मच्छर। तो ये देखिए, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ओपीडी इस वक्त जारी है और ओपीडी में तमाम मरीज जो आ रहे हैं, जो अपने रिपोर्ट्स दिखाने के लिए आ रहे हैं, अपने लक्षण जो उनमें दिख रही है उसको दिखाने के लिए आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से जो मेनली जो लक्षण डेंगू मरीजों में पाई जा रही है वो बुखार है, खांसी है, ऐसे ऐसे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पपीता जो डेंगू मरीज है उन्हें नहीं पपीता खाना चाहिए, उसके बाद जो बकरी का दूध है वो भी नहीं पीना चाहिए। और देखिए किस तरह से जो मरीजों की संख्या है वो और बढ़ती जा रही है, लंबी लाइनों में जो मरीज हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं, और तमाम जो सुविधा दी जा रही है, टेस्टिंग की सुविधा यहाँ पर हो रही है बखूबी से। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। सहयोगी गुड्डू के साथ रोहित वर्मा, लाइव स्ट्रीम्स पटना।